Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theatre actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नई वीडियो के साथ. प्यारे दोस्तों, जिस तरह के हम हर वीडियो में आपको एक न एक वाकया बताते हैं और उसका हाथ भी बनाकर बताते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि उसके हाथ में कौन कौन सी लकीरें किस किस तरह से हैं. आज हमारा जो मौजू है, बहुत से लोगों ने सवाल किया है, बहुत सी हमारी बहनों ने सवाल किया है कि ये बताएँ कि हमसे लोग हसद क्यों करते हैं, जलते क्यों हैं, और उन लोगों का हाथ बना के बताएं जो दूसरों से जलते हैं, यानी हसद करते हैं. तो इस तरह तो हमारे दफातर में भी होता है, घरों में आम ये चीज़ होती है और हम जिस शोबे में से वाबस्ता हैं उस शोबे में भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं. ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग खाम ख्वाब से हसद करते हैं. आप हालांकि बिल्कुल राइट होते हैं, ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए. तो मैं वो हाथ आपको बना के बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी तफसील क्या है. सबसे पहले जो लोग हसद करते हैं उनकी ज़िंदगी की लकीर इस तरह की होती है. ठीक है, और ये उभार जो है ये बहुत नुमायाँ भी होता है और बिल्कुल पिचका हुआ भी होता है. ये दोनों सूरतों में, ठीक है ना, आप देख सकें. ये नहीं कि उभार उभरा हुआ तो आप समझे नहीं, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा हो सकता है, और पिचका हुआ हो तो भी हो सकता है. उसके बाद जो इनकी दिमागी लकीर होती है वो ये इस तरह की लकीर होती है, और जो दिल की लकीर होती है, हालांकि वो फासले पर होती है. आम हाथों में आप देखें तो दिल और दिमाग की लकीर में काफ़ी फासला होता है. ठीक है ना, काफ़ी फासले से चल रही होती है, लेकिन ये इसके बिल्कुल करीब होती है. ये बिल्कुल करीब, यानी जैसे इंच, आधी इंच, उससे भी कम का यानी वो होता है. दिल की लकीर के बिल्कुल यानी ऐसे जुड़ी होती, करीब होती, वरना अमूमन हाथों में ना ये इतना फासला होता है, इतना होता है, इतना होता है, लेकिन ये बहुत ही यानी करीब जुड़ी होती. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खामखा की हसद करते हैं. मिसाल लो, जैसे आप किसी इदारे में काम कर रहे हो तो आला अफसर को जा कहना जी ये तो फलाना ये कर रहा है, वो कर रहा है. वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनमें वो सलाहियत नहीं होती. मिसाल के तौर पर आप में एक सलाहियत है, अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत से नवाजा हुआ है, और आप वो काम कर जाते हैं जो वो शख्स नहीं कर सकता या वो खातून नहीं कर सकती, तो इसलिए वो आपसे हसद करते हैं कि ये मुकाम मुझे मिलना चाहिए, इसको मिल गया, कामयाबी मुझे मिलनी चाहिए, इसको मिल गई, तरक्की मेरी होनी चाहिए, इसकी हो गई. ठीक है, और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, मेरी नहीं करते. वो इस वजह से यानी वो हसद करती हैं. तो इसमें यानी जो दिमागी लकीर तो मैंने ये बनाई है, ये देखें, उनकी दिमागी लकीर जो है बिल्कुल छोटी सी होती है. जो हसद और जलन करते हैं उनकी दिमागी लकीर यानी छोटी होती है, और दिल की लकीर के बड़े करीब होती है, दिल की लकीर के बिल्कुल पास होती है. और उसके बाद जो दिमाग की लकीर है इसमें यानी कई शाखें निकल रही होती हैं, यानी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह की पोजिशन. और किस्मत की लकीर उनकी बिल्कुल कोई अच्छी नहीं होती, बिल्कुल यानी ऐसे ही जिस तरह की मैं बना रहा हूँ इस तरह टेढ़ी मेढ़ी और टूटी फूटी हुई होती है. ठीक है, इस तरह चलते हैं. जैसे कि था कि एक साहब बड़ा अच्छा यानी लिखते थे, बहुत अच्छा यानी लिखते थे या बहुत अच्छी तस्वीर बनाते थे. तो हमारे एक दोस्त ने, मैं उनके साथ गया, मैंने कहा यार इसको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, देखो कितनी प्यारी तस्वीर बना देता है, क्या कुछ कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है. तो उसने कहा जी ओहो, ये क्या तस्वीर बनाएगा, इसको तो बनानी नहीं आती, तो लकीरें उल्टी सीधी मार रहा है, ये तो नकल की हुई है, ये तो फलानी जगह से कॉपी करके इसने बनाई है, ऐसे किया ऐसे. क्यों? कि वो बंदा खुद भी तस्वीरें बनाने वाला था और उसको खुद इतनी अच्छी तस्वीरें बनाना नहीं आता था. तो वो आपसे कहता है आओ मैं दिखाऊं आपको कैसी तस्वीर कैसी होती है, ये क्या होता है.
और जब तस्वीर दिखाई तो वो तस्वीर दिखा रहा है जो आम तस्वीर जिनी मशहूर तस्वीर है, जैसे एक अफगानी लड़की की आंखें बड़ी मशहूर हुई थी तो उसके लिए जिन देखा वो फिर पोस्टरों में आने लग गई उसकी आंखें। तो अब अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी ना, उसके अंदर कोई टैलेंट तो नहीं था, मेरे अल्लाह ने उसकी आंखों में ऐसी चीज़ रखी थी कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, ठीक है ना। जिस तरह एक चाय वाला एक पठान था, उसके वो चाय बना रहा था, किसी लड़की ने उसकी तस्वीर उतारी, वो तस्वीर उसने फेसबुक पे डाली, फेसबुक पे डालने के साथ ही वो हिट हो गया, फिर वो ऐड वगैरह इश्तहारात में भी आने लगा, उससे उसका मुकद्दर बदल गया। हालांकि उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो एक चाय बनाने वाला था, चाय बनाने वाले तो लाखों हैं लेकिन वो इस तरह कामयाब तो नहीं है ना, ठीक है। तो कामयाब वो हुआ, क्यों हुआ कि अल्लाह ताला ने एक सलाही देखी, उसकी आँखें बड़ी प्यारी थी, उसने जो दाढ़ी रखी हुई थी वो बड़ी प्यारी लग रही थी, किसी फिल्म स्टार से मिलती थी, इस वजह से वो हिट हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखो, जितनी भी हसद करो किसी से कुछ भी करो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कोशिश करें कि ये हसद का बीज अपने अंदर से निकाल दें। अगर आपके हाथ की लकीरें इस तरह की हैं तो कोशिश करें इसको बदलने की, क्योंकि लकीरें आप पर कोई इख्तियार नहीं रखते, आप लकीरों पे इख्तियार रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।